जिंदगी में हम हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं रहते, कभी कभी सेल्फ इस्टीम हमारा ख़त्म हो जाता है, कभी कभी वो नर्वसनेस पे कुछ कुछ होने वाली फीलिंग आती है। क्या ऐसा सब आपको होता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, आपका एस्टीम ख़त्म ना हो और आप एक वॉरियर की तरह खड़े हो हर परिस्थिति में? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज हम करेंगे एक 6 से 7 मिनट का योगा सीक्वेंस। बस 6 से 7 मिनट तो दे ही सकते हैं ना, वरना मोटिवेशनल स्पीच सुन सुन के सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं। आइए तो बात करते हैं हमारे तीसरे चक्र की, नेवल चक्र भी कहते हैं, और इसके ऊपर, नेवल के थोड़ा ऊपर डायफ्राम के नीचे सोलार प्लेक्सस। सोचिए ये नेवल यानी इसी ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसके सहारे हमको सब कुछ मिलता था माँ की वो। ये बाहर आकर के आप उंगली भी लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कितना सेंसिटिव और पावरफुल है, और पूरी यूनिवर्स से अब वो एनर्जी लेता है। तो जब ये नेगेटिव हो जाता है या लो हो जाता है या कम हो जाता है इसमें, तो आपको सेल्फ एस्टीम नीचे, डाइजेशन खराब, बार बार आपको डाउन फील होना, बिल्कुल वॉरियर मतलब लड़ने की ताकत नहीं किसी परिस्थिति से, ये सब होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये योगा सीक्वेंस तो हम करेंगे ही, एक और टिप देती हूँ। कोकोनट हो, बादाम हो, कोई भी तेल हो अच्छा जो है, उसको आप थोड़ा इस नाभि के अंदर डालिए, ठीक है, और उसको फिर क्लॉकवाइज में मसाज करते रहिए। ये आप 7-8 मिनट भी करेंगे ना तो यू विल फील बेटर। एंड इफ यू डू दैट देन आप प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस मत करना भूलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो महत्वपूर्ण टिप अपने लाइफ की देख सके। चलिए सीक्वेंस शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं बालासन से। वज्रासन में आ जाइए, अपने एंकल्स को पकड़ते हुए धीरे से फ्लैट नीचे जाइए। अगर आपके हिप्स टिक भी नहीं रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेंथन कीजिए स्पाइन को। Take a few breaths, bring your hands up, और हाथों को आगे चलाइए और फिर नीचे जाइए। Take a few breaths, walk your hands ahead. Try to sit in now. अपने दोनों एल्बोज को इस तरह से टिका दीजिए, हाथों के ऐसे एक दूसरे से क्लास्प कर लीजिए जैसे मिट्टी हम डालते हैं, और धीरे से अपना राइट पैर पीछे, हिप लेफ्ट पीछे। अब देखिए ये भी नहीं करना है आपने और ये भी नहीं करना, सेंटर में कहीं रहिए और अपनी नाभि को अंदर खींचिए, खींचिए और सांस लीजिए। मुंह से सांस छोड़िए। अब अपने बम को ऐसे ऊपर ले जाते, पैर सामने होंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ऐसे 4-5 सांसें लीजिए, फिर 1-2-3 पैर पीछे ले जाइए और फिर धीरे से नीचे आइए, शोल्डर्स को आगे और नाभि को अंदर खींचिए, अपने पूरे स्टमक के मसल्स को। जब आप ब्रीदिंग कर ब्रीद आउट करेंगे ना, नाभि एकदम अंदर खींचिए, फिर से पीछे जाइए, रिलैक्स रखिए शोल्डर और हिप को। ये देखिए इस पोजीशन में लीजिए, सांस लीजिए,
जब सांस अंदर जाती है ना तो नेवल को अंदर खींचिए, फिर पीछे जाइए, धीरे से सर उठाइए, अब नीचे आइए, टच कीजिए और धीरे धीरे और आइए धीरे से। अब अपने पैरों को इस तरह से सामने करिए, पहले लेफ्ट वाला करेंगे, नीचे नीचे और ये ट्विस्ट भी, लेफ्ट हैंड पहले फिर राइट हैंड से स्ट्रेट, इसको स्वस्तिकासन कहते हैं। सांस लेते रहिए, नेक और स्वर हमेशा रिलैक्स है। धीरे से धीरे से अब अपने राइट घुटने को नीचे गिरा दीजिए, लेफ्ट घुटने को गिरा दीजिए, अब अपने राइट हैंड को पीछे ले जाइए, लेफ्ट वर से ऊपर ला के ट्विस्ट, वापस आ जाइए, पैरों को रखते हुए धीरे धीरे नीचे चलते, पैरों को अपने पास लाइए, अपने हिप्स के पास, ठीक है। अब हम सांस लेते हैं और पेट को एकदम अंदर खींचते हुए, पूरा बैक को ऊपर खींचते हुए दोनों पैरों को इस तरह 45 डिग्री पे ले आइए, हाथों को जहाँ चाहे रख सकते हैं, चाहे तो अपनी नाभि पे एक हाथ को रखिए और सांस बाहर, ऊपर लीजिए, सांस लीजिए और वज्रासन में भी कर सकते हैं और सुखासन में भी कर सकते हैं, वो है मंडुकासन। अगर मंडुकासन नहीं कर सकते तो एक सिंपल वर्जन है, लेफ्ट हैंड को अपनी नाभि पे रखिए, फिर राइट हैंड को रखिए, सांस भरिए और आराम से सामने की तरफ, पेट से ही नीचे जाना है हमें, तो अपने आप स्पाइन आ जाएगा। और ये तो पता आपका आदि मुद्रा, ये ऐसे करके जोड़ के फिर इसको सीधा खींचिए, फिर नाभि के पास रखिए, तो आई होप कि आपको ये 6-7 मिनट वाला सीक्वेंस बहुत फायदा करेगा, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में कंपटीशन और स्ट्रेस इतना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अंदर से मन ही नहीं करता है, मतलब सेल्फ एस्टीम गिर जाता है, या हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है तो हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, या हमें जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं डगमगाने लगता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा या नहीं,
और वो वॉरियर वाले की नहीं, जो आएंगे देख लेंगे यार, जो घबराहट होती है सिचुएशन से लाइफ में, उसके लिए है ये योगासना, क्योंकि वो सारे राज सारी एनर्जीज आपका नेवल यानी आपका सोलर प्लेक्सस अब्जॉर्ब करता है पूरे यूनिवर्स से। अगर नेगेटिव कर सकता है तो ये सब करेंगे तो पॉजिटिव भी कर सकता है। ओके, अब बात करेंगे शॉर्ट में, वीडियो पहले डाला हुआ है, वो है ये सॉल्ट लैम्प। ये हिमालयन रॉक सॉल्ट का लैम्प है और बहुत ही उपयोगी है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है, और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरा जब नया वीडियो आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। अगली बार का चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आता है अनाहत यानी हार्ट चक्र, इसके बाद वही वीडियो में बात करेंगे। आई होप ऑल दिस हेल्प्स यू एंड यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक टेक केयर।